नमस्कार दोस्तों, का विषय है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स के बारे में आज हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, इसके इलाज, विभिन्न प्रकार के तरीके और उनके फायदे और नुकसान के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सहज भाषा में उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है वेरिकोज वेन्स। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, SP मेडिकल कॉलेज, PBM हॉस्पिटल बीकानेर। तो सबसे पहले हम वेरिकोज वेन के बारे में जानें कि इसकी परिभाषा क्या है और कब वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स आमतौर पर दोनों पैरों में या किसी एक पैर में फूली हुई नसों को बोलते हैं। उन नसों में खून का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि खून नसों में ही रुक जाता है और वो नसें फूल जाती है। समय के साथ साथ पैरों में भारीपन और चलने में दिक्कत होती है और पैरों में सूजन आने लगती है और कई तरह के नसों के गुच्छे भी नज़र आने लग जाते हैं, जो आप आँखों से देख के बता सकते हैं कि वेरिकोज वेन हो गया है। आमतौर पर ये प्रोफेशन से जुड़ी हुई भी है और कई लोगों के वेन्स के वाल्व ख़राब होने से या जेनेटिक या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी कई लोगों के ये वेरिकोज वेन उत्पन्न हो जाती है। इसके इलाज के कई माध्यम हैं। आमतौर पे कन्वेंशनल टेक्निक, यानी कि जो पुरानी तकनीक है, उसमें हाथ द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। हाथ द्वारा ऑपरेशन में कई तरीके हैं, इसमें स्ट्रिपिंग भी है जिसमें वेन्स को निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको स्क्लेरोजेंट बोलते हैं, उससे वेन्स के अंदर खून जमा हो जाता है और वो बिना चीरफाड़ के भी किया जा सकता है। और तीसरा ऑपरेशन जो होता है वो चीराफाड़ी होता है, जिसमें पूरी वेन्स को ही निकाला जाता है और जहाँ जहाँ इसके कनेक्शन ख़राब हुए हैं उनको हम काट देते हैं। तो हाथ द्वारा ऑपरेशन के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हाथ द्वारा ऑपरेशन करने से थोड़ी चीरफाड़ ज़्यादा होती है और उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं ठीक होने में, आराम भी ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि उसमें संपूर्ण इलाज हो जाता है और परमानेंट इलाज होता है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करें, हमें उसमें वेरिकोज वेन अगर हम उसी तरीके से स्टैंडिंग और ज़्यादा देर खड़े रहने और वही प्रोफेशन अगर हम करते हैं तो वापस होने के चांस भी रहते हैं। इसके अलावा जो नुकसान होता है हाथ वाले ऑपरेशन में, क्योंकि कुछ नर्व्स होती हैं जो वेन्स के साथ साथ चलती हैं, जो कि हमारे पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, तो वो नर्व के कट जाने का खतरा रहता है। उससे फुट ड्रॉप होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, जिसमें हम पैर को ऊपर उठा नहीं पाते, तो ये एक नुकसान इसमें रहता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा समय ख़राब होता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी समय लगता है ठीक होने में और सावधानी उतनी की उतनी ही रखनी पड़ती है हमें। दूसरा जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक चल रही है वो है लेज़र द्वारा ऑपरेशन। तो लेज़र मशीन द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, एकदम बाल की तरह पतले फाइबर्स होते हैं, जिनको हम वेन्स में पंचर करके और उसमें डालते हैं, उससे कुछ लाइट निकलती है, लेज़र लाइट, उससे वेन्स के अंदर जो खून जमा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका वो शोषण कर लेती है और उससे वो एकदम पैंट की जिप बंद करते हैं, ऐसे वेन्स एकदम क्लोज हो जाती हैं और जो फूली हुई होती हैं वो पिचक जाती हैं। तो इसके अपने फ़ायदे हैं कि हम बिना चीरफाड़ के ये ऑपरेशन हो जाता है और हम जल्दी ही वापस काम पर लौट सकते हैं और हमें डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसके भी अपने नुकसान हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एसेस नहीं कर पाती, ज़्यादा दूर तक हम इससे ऑपरेशन कर नहीं पाते और एक लिमिटेड एक्सेस होने की वजह से बड़ी वेन्स और जो ज़्यादा बड़े गुच्छे या ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस होता है, जिसमें कई बार अल्सर भी बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं पैरों में, तो उनमें हम ये इसको ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक नुकसान रहता है। प्लस इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, इसकी फाइबर की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आती है। तो यदि एक पैर में भी हम इलाज करवाते हैं तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसका खर्चा आ सकता है। तो ये एक इसका कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो कभी भी आप अगर ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं तो जो एक अच्छा सर्जन जिसकी MS क्वालिफिकेशन हो, वो आपको देख करके अगर वो लेज़र में ट्रेंड है तो ही उससे लेज़र करवाएं और वो उसी को डिसाइड करने दें कि कौन से प्रकार का ऑपरेशन आपको पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वेरिकोज वेन में थ्रोम्बस बना होता है, कई जगह खून का थक्का होता है, तो खून के थक्के वाले केसेस के अंदर लेज़र पॉसिबल नहीं हो पाता और कई बार हमें कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कई खून पतला करने की दवाइयां भी चल रही होती हैं और ऐसे केसेस में अगर हमने लेज़र या इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजर जो करवा लिया अपनी चॉइस से, तो वो हमारे नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी आप डॉक्टर के पास जा करके चॉइस
ना बताएं, आप उन्हें ऑप्शन दे दें कि अगर पॉसिबल हो तो लेज़र का ऑपरेशन करें, अन्यथा हाथ वाला ऑपरेशन कर दें। तो जो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर होगा, तो अच्छा सर्जन होगा, वो आपके हित में आपके अनुसार आपका ये निर्णय लेगा। तो लेट डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि वो क्या प्रोसीजर करता है। तो मेरे ख्याल से ये वेरिकोज वेन के संभावित सभी इलाज के बारे में और फ़ायदे नुकसान के बारे में ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम विभिन्न विषयों पर अलग अलग प्रस्तुतिकरण देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो आप कृपया सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।